अबे ये क्या है? चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है। A few moments later. अरे भाई साहब, ये रास्ते में क्या मिल गया आपको? भाई ये एक जंगली फ्रूट होता है। क्या बात है, मैं तो फ्रूट ब्लॉगर बन गया। पहुंच गए क्या हम लोग? नमस्कार सर जी। वीडियो तो क्यों बना रहे हैं? देखा था कितने बकरियों का दूध हो गई? बीच में बैठ गया हमारा दोस्त आनंद जी। आप भी लगाएंगे ऐसे पकड़ लेना? ये सब मतलब ऐसे ही पकड़ना? ऐसे ही ऐसे पकड़ लेना बस। जाते हाँ, बस बस बस। इसमें क्या डालते हो आप लोग? तम्बाकू ऊपर से आग डाल दी। कितनी बकरी होंगी यहाँ पे? इधर 400-500 बकरी। 400-500। अच्छा, इन बकरियों का इस्तेमाल क्या है? दूध का? दूध का इनसे मक्खन वगैरह निकाल देते हैं, लस्सी वगैरह बना देते हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। और फिर बाकी जो मांस प्रोडक्शन है उसके लिए, मांस के लिए जाएगा लोगों के लिए। ये काम आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं 92 से कर रहा हूँ। 1992 से? 92 से, यानी कि लगभग 28 साल। हाँ, 28 इतने 92। और अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र है 47। और 28 साल हो गए ये काम करते हुए। तो भाई देखा जाए तो 18-19 साल की उम्र रही होगी इनकी जब आपने काम शुरू किया।
आपके परदादा दादा ये सब? हमारे परदादा वगैरह जैसे ने दादा ने तो नहीं चलाया था, दादी का हमने देखा था, पर हमारे बुजुर्ग की खानदानी थी, बुजुर्ग चलते थे पहले से, फिर भैया मेरे बड़े भैया चलते थे, उनके बाद आपके पापा ने भी ये कराया, आपके बड़े भैया ने भी यही करा, यही काम किया। मजा भी आता है? मजे भी होता है, दुख भी होता है, बारिश पानी में दुख तो होता है, दुख भी रहना पड़ता है, सुख भी रहना पड़ता है, कभी भी खाने में अच्छे ढंग से मिलता है, कहीं तकलीफ होती है। वैसे मैंने सुना है कि भाई गाय भैंस के मुकाबले बकरियों के दूध में ना ज्यादा पावर होती है, विटामिन होती है जो कह लो, क्योंकि हमारे गाँव में तो ऐसा है, ये जो इन लोगों की जो गद्दी लोग हैं, जो बकरी हैं, आप ये जाते हैं स्पीति का सर, और उसमें पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ इतनी जड़ी बूटियां होती हैं, वो घास खाती हैं। अब आपने सुना होगा कि शिलाजीत सुनी होनी आपने, और कितने सारे जो चीजें जड़ी बूटियां होती है वो सारी वहीं पे मिलती हैं, और सारा घास से बकरियां वही खाती हैं। मतलब मेन आप लोगों का जो काम है अब यही, वो ये बकरियों का ही है, बकरी आप इनसे मतलब दूध निकाल लो, दूध निकाल लो, पैसा भी इनसे, या फिर सारा खर्चा पड़ता है इनका, जो सारा खर्च पर्चा है, जो घर का इनका रोजी रोटी रोटी सब इनसे चल रहा है, इनके जो बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, इनकी रिश्तेदारी में मिलेंगे, किसी के साथ कोई शादी होगी वहाँ पे शगुन डालेंगे, जो भी इनका बीज बिक्री होगी तब वो सब कुछ इन्हीं से हो रहा है, इनका बकरियों से ही, इनका जो भेड़ बकरी उसी से हो रहा है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि बारिश जोरदार बारिश हुई हो, सारे कपड़े गिल्ले हो गए हो, गए कहीं बहुत भारी खराब हो गया हो, और वो तो बहुत भारी हुआ, अच्छा क्या करना, तो बहुत भारी हो गया पूरा आसमान, जैसे कहीं धूप हो गई तो खराब तो होता है, कल ही का जो बारिश हो गया था भाई। पर कई बार होती है तो उनका सारा सामान, सारा सामान भीग जाता है, कपड़े भीग जाएंगे, बिस्तर भीग जाएगा, राशन भीग जाएगा, कुछ नहीं बचता इनके पास, बड़ी मुश्किल से आग जलाने की मुश्किल हो जाती है, आग जलाने की मुश्किल, सोने भूखे से रहना पड़ता है। कभी मेन इनको प्रॉब्लम है कि जो इनकी बकरियों की चोरी होती है वो ही है, एक वो आपने कार देखी, छोटी बैन देखी ना आपने, किडनैपिंग बैन होती है इसका, वो ऐसे खुलता है, हाँ, ये खुलता है, ये जा रहे होते हैं रोड पे, ऐसे चले होंगे इनकी बकरियां, एक साइड पे जो बकरियां चली होती है एक लाइन में चलती, इनको आदत है बकरियां, एक लाइन गाड़ियां क्योंकि बीच में ले जाएगी, और वो क्या करते हैं कि गाड़ी लेके आएंगे स्पीड में, दरवाजा खुला रखेंगे, फिल्मों में होता है, फिर बंदे को उठा लेते हैं एकदम से, वैसे ही बकरी को उठाएंगे, अंदर डालेंगे, भाग जाएंगे, मतलब कोई पता नहीं कौन लोग है, वही चोर डाकू क्या पता नहीं, मतलब अगर बकरी की किडनैपिंग हो रही है तो भाई वो तो जाहिर सी बात है मांस के लिए, मांस के लिए हो रही है ना, तो अब इनकी एक बकरी की कीमत नॉर्मली जैसे 7-8 हजार होगी, तो वो उठा लेते हैं बकरी चलते चलते, अगर 2-3 उठा ले तो देखो कि 20-25 हजार नुकसान हो गया, 25-30 नकले जाते हैं। एक बार जो इनके साथ एक भाई है चेतू भाई है, उनकी 12-13 बकरियां का वो हो गया था, चोरी हो गई थी, कई बार इनकी बकरियां गुम हो जाती है, जैसे जंगल में गए हैं तो 20-20 बकरियां कहीं अलग ही हो जाएंगी, तो भाई पहला तो है कि भाई बकरियां गुम हो जाना, फिर कभी कभी जंगली जानवर का अटैक हो जाना, और ये आप बता रहे हो कि आदमी लोग चोरी कर लेते हैं। हाँ। वैसे तो आपको चलते चलते हम जैसे लोग तो मिल ही जाते होंगे, बहुत सारे जो वीडियो बनाने वाले होंगे, बहुत बनाते हैं वीडियो, आप लोग मतलब ज्यादा भीड़ से कटे हुए रहते हैं ना, जो आपकी जिंदगी है दूर दूर तक जानवर है पहाड़ है, लेकिन जैसे जो शहरों की जिंदगी होती है, घर से जैसे बाहर निकलो तो सामने एक आंटी जी रहती हैं, वो बच्चों को गाली देती रहती हैं थोड़ा सा आगे जाओ तो भाई दो दो लड़के आपस में लड़ गए होते हैं, तो ये देखने को नहीं मिलता होगा, और ना ही मिल रहा तो अच्छा है। इस नाम को भी ऐसा भी हुआ कि आप 4-5 लोग हैं और बीच में लड़ाई होगी, आप नौकरी ऐसी हमारी, मतलब आप 4 लोगों में कभी कभी हो जाती है लड़ाई, हो जाती है किसी किसी बात दंगल हो जाता है दंगल हो जाता है